बेटा देख, हम फैक्ट्री के काम में इतने परेशान हैं, सब भागदौड़ में तू भूल गई होगी। नहीं माँ, माँ मैं इतनी इरिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, इतनी बड़ी बात मैं नहीं भूलूंगी। मेरी बात मानिए, वो ब्रोकर आया ही नहीं। अरे बेटा, वो इतनी बड़ी बात झूठ तो नहीं बोलेगा ना, और वो तो कह रहा था कि वो कागज उसने तुझे दिया है और उस रिसीट पे तेरा साइन भी है। नहीं माँ। बेटा तेरे मन से बात निकल गई होगी। अच्छा बेटा, अभी कल ही तो उसने कागज दिया है, हो सकता है यहीं कहीं पड़ा हो। चल ढूंढ लेते हैं, मैं वहां देखती हूँ, तू यहाँ पर देख ले। हाँ वो ब्रोकर कल आया था। तुम वहां क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो बस किताबें देख रही थी। ये शनाया का ही काम है। तो क्या फैक्ट्री में इतना सब कुछ जो हुआ, उसके पीछे भी उसी का हाथ है? लेकिन हमें बर्बाद करके शनाया को मिलेगा क्या? मिल गया तुझे? बेटा मैंने तुझे कहा था ना कि तुझे। नहीं माँ, ये रिसीट तो है, लेकिन ये मैंने नहीं लिया। माँ मैं कसम खा रही हूँ, ये मैंने नहीं लिया है। क्या मतलब? मतलब कल शनाया घर आई थी, वो शारदा मैम ने मुझे ड्रेस के पैटर्न लाने के लिए भेजा है। माँ ने पैटर्न पड़ोस में दिया है, मैं जाकर लेके आती हूँ, तब तक तुम अंदर बैठो। ओके। माँ सच में मुझे लगता है कि ये उसी का काम है। जब मैं यहाँ वापस भी आई ना, तो वो वहाँ बुक शेल्फ के पास कुछ कर रही थी। माँ मैं कह रही हूँ ना, वो लड़की कुछ। बेटा वो सब बातें रहने दे, हमें जाके ब्रोकर से बात करनी चाहिए। मैं अपनी फैक्ट्री किसी हालत में बंद नहीं होने दूंगी। चल जी माँ, चल चला चल। माँ अब हम क्या करेंगे? ब्रोकर हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं, अब क्या होगा? शारदा जी। नमस्ते शारदा जी। अब क्या होगा शारदा जी? तुम लोग चिंता मत करो, मैं हमारी फैक्ट्री को बंद नहीं होने दूंगी। ये फैक्ट्री हम सबका सपना है, इस पे हमने बहुत मेहनत की है, मैंने, मेरे परिवार ने, तुम सब लोगों ने। वैसे ब्रोकर ने क्या कहा? हम ब्रोकर के पास गए तो थे, लेकिन वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। देखो तुम लोग परेशान मत हो, भगवान पे भरोसा रखो। कितना कमजोर और सेल्फिश हूँ मैं, अपनी जॉब के जाने का गुस्सा मैं साक्षी पर उतार रहा हूँ, जबकि इस वक्त मुझे मेरे परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। जब इतना कुछ होने के बाद मॉम और साक्षी हार नहीं मान रहे, तो मैं हार कैसे मान सकता हूँ? साक्षी जा, सबके लिए चाय बना के ला। जी। साक्षी वो ब्रोकर का नंबर मुझे देना, मैं बात करके देखता हूँ। अभी मैसेज करती हूँ। ठीक। लट जा। ओ हेलो, क्या कर रहे हो यहाँ पर? चलो यहाँ से। क्यों भाई, ये गली तेरे बाप की है क्या? तमीज से बात कर रहा हूँ, एक तो लड़की को परेशान कर रहा है, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। चलो यहाँ से। अबे मैडम ने मुस्कुरा दी तो हमने भी स्माइल दे दी। निकलते हैं यहाँ से। चल रहे जाते हैं। क्या कर लेगा? कर लेगा क्या? कर लेगा। क्या कर रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। देख लूंगा तुझे, बाहर देख लूंगा। निकलो यहाँ से। अरे क्या हुआ? क्या हुआ क्या बेटा? तुम इन लड़कों में स्माइल क्यों कर रही थी?
तुम अभी छोटी हो, तुम्हें पता नहीं कैसे लोग हैं, बहुत ही गंदे लोग हैं। सी, मैं छोटी हूँ लेकिन मुझे अपना ख्याल रखना आता है, और वैसे भी किसे स्माइल करना है किसे नहीं करना है कि बताने वाले आप कौन होते हैं। देखो मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ इसलिए समझा रहा हूँ। बड़ा भाई, मुझे किसी बड़े भाई की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। सॉरी। सच ही तो है करण, तेरा बड़ा भाई है। मैं तेरा गुस्सा समझ सकती हूँ, और एक दिन तुझे भी ये सब समझ आ जाएगी कि जो कुछ भी हुआ उसमें हम में से किसी की कोई गलती नहीं है। सर प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर फैक्ट्री नहीं खुली ना तो मेरी मॉम का सारा काम बंद पड़ जाएगा। देखो करण भाई, मेरा और आपका कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, आपकी तरह मैं भी धंधे वाला आदमी हूँ, मेरे को भी अपना घर देखना पड़ता है, और मेरे को क्या प्रॉब्लम है, आप अपना पैसा दो और चाबी लेके जाओ। जुगल भाई, मेरी फैक्ट्री जो आपने उन औरतों को किराए पे दी है साड़ी बनाने के लिए, उस पर पिछले किराएदार ने मुकदमा कर दिया है। तनवीर भाई, देखो मैंने खबर छे, आप ये बताओ ना आपके वकील ने क्या बोला। अरे वकील क्या बोलेगा, वो लोग पिछले 20 साल से वहाँ थे, उन्होंने जाली पेपर बनवा लिए हैं, वकील तो बोलता है कुछ नहीं हो सकता। ये लोग तो मॉम की फैक्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, लगता है यही मालिक है। मैंने अपने दोस्त से ऐसे बहुत से केस में हेल्प ली है, हो सकता है वो ये केस भी सॉल्व कर दे। मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ इस मामले में। करण भाई अभी आप रहने दो ना, छोटा मोटा मैटर नहीं है, बहुत बड़ा मैटर है, आप रहने दो। मैं सच में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मेरे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, सॉलिड वाले, जिन्होंने पहले भी ऐसे केस सॉल्व किए। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप बहुत बड़े घर के हो, कोर्ट कचहरी का मामला तो आपके लिए यूं है। बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। वैसे क्या आप मुझे वो फैक्ट्री के पेपर दिखा सकते हैं? ठीक है, मैं पेपर दिखाता हूँ आपको, लेकिन पहले ये बता दो कि आप फीस कितनी लोगे। नहीं, मैं आपसे कोई फीस नहीं लूंगा। नहीं, ये खोटी बात है, अगर काम कर रहे हो तो पूरा पैसा लेना पड़ेगा, हम लोग कभी फ्री में काम करते ही नहीं है और ना ही कभी करवाते हैं, मेहरबानी खाता चलता ही नहीं अपने यहाँ पे। तो ठीक है, आप शगुन के तौर पर 101 रुपये दे दीजिएगा, और आपकी हेल्प करके मैं कोई आप पर एहसान नहीं कर रहा हूँ, अगर ये फैक्ट्री रहेगी तभी तो मेरी मॉम अपना सपना पूरा कर पाएंगी, उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और सारा काम रुका हुआ है। कमाल है बॉस, तुम्हारे जैसा आदमी तो आजकल मिलना मुश्किल ही है। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बट मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो मेरी फैक्ट्री की चाबी, और कर लो अपनी माँ का सपना पूरा। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? अब हम साढ़िया टाइम पे कैसे पहुंचाएंगे? साक्षी, कहते हैं ना, जब सवेरा होने वाला होता है उससे पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है। मुझे यकीन है हमारा भी सवेरा होने वाला है, और बहुत जल्द होने वाला है। मैं देखती हूँ। अरे आप लोग आइए, अंदर आइए। वाह, नमस्ते शारदा जी। नमस्ते। नमस्ते आप लोग। शारदा जी, हम ये साड़ी बना करके लाए हैं। अरे ये आपने, ये ठीक तो बनी है ना? बहुत अच्छी है। और शांति हो क्यों? क्योंकि ये साड़ी है, तुमने सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं बनाई, तुम सबने अपने दिल से बनाई है, और दिल से किया हुआ काम कभी खराब नहीं हो सकता। शारदा जी, हम अपने अपने घर से काम करेंगे और कुछ भी करके टाइम पर ऑर्डर पूरा करेंगे। अब मुझे यकीन हो गया कि इस लड़ाई में मैं अकेली नहीं हूँ, आप सब मेरे साथ हैं। शारदा जी, आप सब साथ हैं। माँ, आप ठीक कह रही, सवेरा होने वाला है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप सबका शुक्रिया। चिराग, मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, मुझे शारदा के पास ले चलेगा? सॉरी दादी, वो
मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं और इस घर की टेंशन की वजह से मैंने बिल्कुल स्टडीज नहीं की है, और अगर अब कंसंट्रेट नहीं करूँगा तो गारंटेड फेल हो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे वरना सुरेश नाराज हो जाएगा। माँ जी का दिल जीतने का ये अच्छा मौका है। लक्ष्मण गाड़ी निकालो, मुझे गोरेगांव जाना है। गोरेगांव? शारदा की फैक्ट्री भी तो उसी तरफ है। मैं पल्लवी से कहती हूँ वो मुझे वहाँ छोड़ के आगे चली जाए। नहीं नहीं, मैं भला इसके साथ क्यों जाऊँ। माँ जी आप कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली, अगर आपको कहीं जाना हो तो। क्यों, सबको घर से निकाल के शांति नहीं मिली क्या तुम्हें, कि मुझे भी निकालना चाहती हो? नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मैं गोरेगांव जा रही थी तो मैंने सोचा अगर आपको कहीं जाना हो तो मैं आपको छोड़ दूं। मुझे कहीं नहीं जाना। ठीक है मैं चलती हूँ। हाँ तो कौन सा इसके साथ जा रही हूँ, मैं तो अपने बेटे की गाड़ी में जाऊंगी। सुनो जी, तुम उधर जा रही हो तो मुझे भी जरा काम है, छोड़ दोगी? चलिए मैं आती हूँ। इसे तो मैं पता भी नहीं चलने दूंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, वरना जासूसी करती फिरेगी। शारदा की फैक्ट्री के पहले ही मैं उतर जाऊंगी। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं माँ जी को शारदा की फैक्ट्री के पास ही छोड़ दूंगी ताकि माँ जी को ज्यादा चलना ना पड़े। मॉम, मॉम। अरे आप आ गए। मॉम कहाँ है? वो नेहा के घर गई है, वहां थोड़ा काम था, जल्दी आ जाएंगी। वैसे आपकी ब्रोकर से बात हुई क्या? चाबी, फैक्ट्री की चाबी आपको मिल गई, उसने दे दी? देनी पड़ी, अब मेरी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है, अच्छे अच्छे डर जाते हैं देख के। वो तो है, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, मैं सीधे उसके ऑफिस के अंदर घुस गया बिना नॉक किए। सच? फिर क्या हुआ? मुझे देखते ही वो पत्थर की तरह तर तर कांपने लगा। और फिर? जैसे मैंने उसे अपने बारे में बताया वो शॉक और सीधे मेरे पैरों पर गिर गया और नाक रगड़ के माफी मांगने लगा और बोला। क्या क्या बोला? माई बाप, गलती हो गई हमसे, मुझे माफ कर दो। अरे आपका एक महीने का तो क्या, चार महीने का किराया माफ। हाँ। और इस तरह से हमने किया ये मामला साफ। I mean, सॉल्व। वाह करण, आप तो सच में ग्रेट है। वैसे सच सच क्या हुआ वो भी बताइए। अरे बताया ना, सच वाली कहानी। हुआ क्या? हाँ, होना क्या था, वो तो मानने को तैयार ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से माना, वो भी तब जब मैंने उसे प्रॉमिस किया कि उसकी फैक्ट्री के ऊपर जो मुकदमा चल रहा है मैं उसे सॉल्व करने में उसकी हेल्प करूंगा। बट सच में करण, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच, आई लव यू टू। करण मॉम, वो मैंने सब सुन लिया, चाबी मिल गई। बेटा मुझे तुझ पे गर्व है, मुझे पता था मेरा बेटा अपनी माँ का सपना कभी टूटने नहीं देगा। बेटा
अच्छी चाय बनाई है साक्षी। थैंक यू मां। अच्छा हुआ ना, धीरे धीरे सब मुश्किलें दूर हो गई। हाँ मां, अब इस इम्तिहान में हमें फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। यही खड़ा रखोगे कि अंदर भी बुलाओगे? अरे माजी, जीती रहे, मेरी उम्र तुझे लग जाए। ऐसे मत कहिए माजी। दादी, कुछ रहे, कुछ रहे। आंखें तरस गई थी अपने बच्चों को देखने के लिए। आइए ना माजी। कैसी है शारदा? एक माँ के बिना बेटी कैसी होगी माजी? जैसे बेटी के बिना माँ। अब दादी, वैसे आप आई कैसे? बस आ गई। अरे लेकिन कैसे? क्यों, तू क्या समझता है कि तेरी दादी अकेले कहीं आ जा नहीं सकती? बिल्कुल नहीं, आपको तो अकेले बाहर जाने में डर लगता है ना। लो सुनो, अरे जब तू छोटा था तुझे गोद में लेके सारी दुनिया घूमती थी मैं। हाँ शारदा बता इसे। बिल्कुल। और मैं आज कैसे आई ये बात जानी थी, लेकिन अगली बार जब मुझे आना है ना, मैं तुझे फोन करूंगी, तू मुझे लेने आएगा ना? आना तो पड़ेगा ही, अगर नहीं आया तो आपके हाथों के थप्पड़ खाने पड़ेंगे। अच्छा माँ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। कुछ? मैं तेरे हाथ का बहुत कुछ खाने वाली हूँ, वहाँ किसी को खाना बनाना आता ही नहीं है। माजी मैं लाती हूँ। लेकिन अभी नहीं, अभी तू मेरे पास बैठ। तो ठीक है, मैं कुछ बनाती हूँ। बनाना तो मुझे भी आता है, अभी बना कर लाती हूँ। तू? हाँ दादी मैं। हाँ माजी बहुत सीख गई है ये। माजी मेरा घर छोटा है ना? नहीं शारदा, तेरे जाने के बाद वो घर बहुत छोटा हो गया, क्योंकि वहां न सुख है न शांति है न बरकत है। लेकिन ये घर बहुत बड़ा है, क्योंकि तू यहाँ रहती है, तेरे सपने यहाँ रहते हैं, तेरी पहचान यहाँ रहती है। मेरी शारदा की एक नई पहचान, तूने अपनी माँ का सर गर्व से ऊंचा कर दिया बेटा। माँ जी आपका आशीर्वाद है, और वैसे अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, बहुत कुछ बाकी है अभी करने को। करेगी तू, जरूर करेगी, मैं जानती हूँ ना। दादी दादी दादी, आपका फेवरेट दलिया। नहीं छी, मैं दलिया नहीं खाऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं खाओगे, खाना पड़ेगा, आपकी तबीयत खराब है ना। अरे शारदा बोल नहीं से। माँ जी खा लीजिए ना, उसके बाद मैं आपका मनपसंद कुछ स्वादिष्ट जरूर बनाऊंगी। पक्का? करण तुझे शारदा का काढ़ा याद है? हाँ दादी, वो कैसे भूल सकता हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। बचपन में मुझे एक छींक आती थी और मॉम मेरे पीछे वो काढ़ा लेके भागती थी। करण, पुरानी बातें याद करने में कितना मजा आता है ना। चलिए एक और पुरानी चीज करते हैं। क्या? एक मिनट, क्या क्या कर रही है अब साक्षी? पत्ते! वाओ! अब देखना मैं सबको हराऊंगी। साक्षी दादी से बच के रहना, दादी चीटिंग भी करती हैं। अरे बदमाश! अच्छा तो चीटिंग से हराएंगे आप? कितना
कितने दिनों बाद इस घर में हंसी की आवाज गूंजी है। भगवान मेरे घर पर अपना आशीर्वाद रखिए।